रोलिंग क्या हुआ, दूसरा कैमरा रोल क्यों नहीं है? एक्शन और फोकस करो ऋतिका, निकलेगी तुम बात कर। रोल रोलिंग एक्शन ऋतिका हैप्पी शर्माना शोल्डर देखने कंटिन्यू एक्शन पे लग गया, वो निकालना पड़ेगा। खराब कुछ हो रहा है पर कुछ सच नहीं लग रहा है।
लग रहा है जैसे अभी ईशानी मेरे सामने आएगी और when लाकर ईशानी बैठी हुई है एक पॉइंट से तुम्हारी आंखें बंद कर लो एक है खुली आंखें हल्दी लग रही है और मेरा ध्यान निशानी पे मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मेरा माइंड कहीं और है और मैं मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं जबकि ज़िंदगी किसी और के साथ गुजारना चाहता हूँ तो व्हाई एम आई हियर। और मेरी मासी और माँ और बाबा सब लोग हल्दी लगा रहे हैं मुझ पर। इतनी देर में रितिका भी होती है बाजू में, बट मुझे ऐसा फील होता है कि प्रॉब्ली ईशानी है एंड आई गो इन टू अ ड्रीम सीक्वेंस विद हर एंड आई कम बैक एंड आई रियलाइज दैट कि इट्स रितिका ओनली। और मैं थोड़ा सा हिला हुआ होता हूँ और मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ, बट रितिका के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, आप बताइए। हाँ मतलब रितिका तो अभी खुश है क्योंकि उसको नहीं पता कि रणवीर के मन में क्या चल रहा है, तो रणवीर एज यूजुअल उसका मुझ में ध्यान नहीं है और वो ईशानी के बारे में ड्रीम कर रहा है। पर रितिका इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली उसकी हल्दी हो रही है और फाइनली शी इज़ गेटिंग मैरिड टू रणवीर। सिर्फ 4 घंटे में शादी होने वाली है तो उसके मन में वही वॉइस ओवर चल रहा है कि अब बस 4 घंटे रह गए हैं और रास्ते से जो जिसको हटाना था वो भी हटने वाला है और शादी भी होने वाली है, तो शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। फाइनली आपकी शादी हो रही है, फिर भी कहीं ना कहीं मन में प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं रितिका नोस कि ये रणवीर जब भी ईशानी सामने आएगी नो मैटर व्हाटएवर ये बोले घर पे आके कि मैं ये वादे कसमे करे, पर वो जैसे उसके सामने आती है तो ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, तो उसको लग रहा है अब कि मैं परमानेंटली इसको एक बार रास्ते से हटा ही दूँ, तो वही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। 4 घंटे बाकी है, कुछ ट्विस्ट हो सकता है इसमें? 4 घंटे में बहुत ट्विस्टी ट्विस्ट है मतलब। मतलब तू तो अच्छी खासी थी, तूने तो पहले भी मतलब जब मेरी तेरी शादी होने वाली थी तब तूने ईशानी खुद मेरे हवाले कर दिया था और मेरी शादी करवा दी। तो पॉजिटिव थी ना? नहीं पॉजिटिव थी नहीं, मतलब तब तक तो यू वर ऑल राइट, बट सडनली व्हाट हैपेंड कि नाउ यू आर ट्राइंग टू किल ईशानी। उस बात को कितना टाइम हो गया, सडनली कुछ नहीं। सो मतलब यू मीन टू से इंसान चेंज हो जाता है? Now you become... ऐसा तो पता नहीं लेकिन हो तो जाते हैं। कहा जाता है लव इज इन द एयर, तो ये अंधा प्यार है जो इसे सब गलत गलत काम करवा रहा है। तेरा भी अंधा ही है, तेरी वजह से ही सब गलत काम हो यहाँ पे। ट्विस्ट यही है कि अपनी गाड़ी ट्विस्ट करती है और जाके ईशानी को मारने की कोशिश करती है। रितिका बनी सीरियल किलर। बनी कब से बन चुकी हूँ तुम लोगों को अभी पता चल रहा है। व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर शो एंड मेकिंग आर शो डिसेंट सक्सेस एंड बिग सक्सेस। Yeah, we want more success. Yeah, of course. Yeah, so that's why I said decent yeah, one. Yeah, we are greedy. And thank you so much for accepting Ritika in a negative role. तेरे को ऐसे बता? मुझे पता है ना, लोग गालियाँ दे रहे हैं तुझे। पता तो ही बहुत वो बोलना फिर कहाँ accepting? तो accept कर रहे हैं ना, मतलब they are liking your acting. और जब सर फोड़ेंगे आके गालियाँ तो दे रही। मैंने आज इंस्टा पे तेरी वो मेरी फोटो अपलोड की ना, उसमें भी कितनी गालियाँ लिखी नीचे।
तो मैंने कहा यार पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, मतलब यू आर डूइंग अ गुड जॉब. हां मतलब मुझे तो बचपन से बिच कह रही है वो जब से मैं शो में आई हूं तो इन दोनों के बीच में आ गई हूं मैं. तब तो कुछ नेगेटिव था भी नहीं, अब तो कहो. अब तो कहो, अब जितना कहोगे उतना अच्छा है, अब जितना कहोगे उतना. तो ऋतिका इज वेटिंग फॉर ऑल योर गालीज. ओके बाय बाय. थैंक यू.